सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बहुत आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी, वो आउट था या फिर नॉट आउट था। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी। पाकिस्तान मैच वहां पर हारा जहां पर रिजवान को गलत आउट दिया गया है। मौका था पाकिस्तान के पास मैच जीतने का, करीब जा रहे थे। पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत रहा था। ऐसा वाकया हुआ जो पाकिस्तान फैंस लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। मोहम्मद रिजवान की विकेट के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। आईसीसी का क्या आदमी फैसला गया है, क्या मैच दोबारा होगा या जीत पाकिस्तान की होगी। वीडियो में आखिर तक रहिए ताकि आप लोगों को पूरी मालूमात फराहम हो सके। तो चले आगे बढ़ते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब और आप लोगों को मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मोहम्मद रिजवान के विकेट पर बवाल, अब आईसीसी का दरवाजा खटखटाएगा पाकिस्तान, पीसीबी करेगा अंपायर्स की शिकायत। क्या आउट नहीं थे मोहम्मद रिजवान, रिजवान पर भारी पड़ गई टेक्नोलॉजी, कलाई के बैंड ने करवा दिया आउट। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान दूसरे टेस्ट के दौरान मोहम्मद रिजवान के विकेट पर बवाल मच गया है। पाकिस्तान का कहना है कि थर्ड अंपायर ने रिजवान को कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पीसीबी अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिलेटेड मुद्दों पर आईसीसी से बात करेगा। दूसरे मुकाबले में एक वक्त जीत के करीब नजर आ रही थी, पाक टीम को महज 98 रनों की दरकार थी। यहीं पर मोहम्मद रिजवान आउट हुए और फिर पूरी टीम डह गई। यानी मोहम्मद रिजवान का आउट होना ही यहां टर्निंग पॉइंट रहा। यहां जिस तरह मोहम्मद रिजवान को आउट दिया गया उसी को लेकर अब बवाल मच रहा है। वो मुकाबला जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत 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 आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी, 188 रन बाकी थे, 6 विकेटें थी, लेकिन तकरीबन अगले 110 रनों के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 8 के 8 विकेट खो दिए। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वो आउट था या फिर नॉट आउट था। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की भी गलतियां रही, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो टूटी वो मोहम्मद रिजवान की थी। आज मोहम्मद रिजवान की बात करें, सेट बल्लेबाज बेहतर खेल रहे थे, 35 रन बनाकर कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से रिजवान आउट होते हैं, 50 रन बनाकर स्टार्क ने सेकेंड लास्ट गेंद पर अपना शिकार बनाया आगा सलमान को, और मीर हमजा अपनी पहली ही गेंद पर हो जाते हैं आउट। बारी क्या है, पाकिस्तान कहां मैच हारा है। पाकिस्तान मैच वहां पर हारा जहां पर रिजवान को गलत आउट दिया गया है। एक बार फिर से एमसीजी का मैदान, मौका था पाकिस्तान के पास मैच जीतने का, करीब जा रहे थे और ज्यादा रन्स बचे हुए नहीं थे। पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत रहा था, लेकिन अचानक से एक ऐसा वाकया हुआ जो पाकिस्तान फैंस लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। डक करने की कोशिश में रिजवान का जो ग्लव्स का जो रिस्ट बैंड होता है वहां पर गेंद लगी, अपील हुआ, डीआरएस लिया गया और वहां पे जाके ये पता चला कि रिजवान को थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया गया है। लेकिन क्या ये आउट करार देना सही था या गलत था, आईसीसी का रूल क्या कहता है। आईसीसी का रूल ये कहता है कि अगर रिस्ट बैंड इन्वॉल्व होता है तो वो आउट नहीं है। अगर बॉल रिस्ट बैंड, जो ग्लव्स का जो निचला हिस्सा होता है ना, अगर उसको टच करता है तो वो आउट नहीं है।